भारतीय टीम ने जबरदस्त कमबैक किया है और उनके साथ कमबैक किया है अनिल कुमार जी भी हमारे साथ हैं। हमारे अनिल जी, उन्होंने भी कमबैक किया आज स्पोर्ट्स तक पे वापस कुछ दिनों के बाद नई टोपी के साथ। पर भारतीय टीम ने जिस हिसाब से ऑकलैंड में वापसी करी है, शुरुआत में आपने उनके जो ओपनर्स हैं उनको रन नहीं बनाने दिए, बड़ी मेहनत करवाई उनसे। हालांकि बीच में एक ऐसा फेज आया था दो ढाई ओवर का जब मोमेंटम उधर शिफ्ट कर दिया था कॉलिन ग्रॉन्डहोम ने, बट भारतीय टीम अगर मैच शुरू होने से पहले उनको बोला जाता कि यार 160 के आसपास आप रोक लेंगे इस टीम को, मुझे लगता है 170 के आसपास भी उनको कहते हैं कोई बात नहीं, 175 में भी कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि छोटा ग्राउंड है ये सामने, छोटा ग्राउंड है। और दूसरी बात ये है कि देखिए माइंडसेट टीम का ये था कि यार दुनिया ने आपको क्रिटिसाइज किया, 220 आपने पहले पड़ा है, सबसे महंगी सबसे भारी भरकम आपकी हार हुई, पर उसके बावजूद आपने सेम प्लेइंग 11 खिलाई है। अब देखिए सेम प्लेइंग 11 जरूरी नहीं है कि आपकी जीत का की वजह बनेगी। ऑब्वियसली कुलदीप यादव, केदार जाधव, तो ये आपके पास दो ऐसे खिलाड़ी थे जो मतलब आपको श्योर शॉट गारंटी देते हैं बेटर परफॉर्मेंस की। बड़े है कि खैर जैसे आपने कहा कृणाल पांड्या का वो ओवर भुवनेश्वर का नए बॉल के साथ स्पेल डालना, आज गेंद हिल भी रहा था, और उसके अलावा चहल ने जिस तरह से गेंद की, हालांकि चहल को विकेट तो नहीं मिली लेकिन उन्होंने भी कंसिडरिंग के सामने छोटा बाउंड्री था और बल्लेबाज उनकी तरफ भागे थे, आई थिंक कृणाल पांड्या का वो ओवर, और एक बहुत आज जब अजीब सा वाक्य हुआ वो जो LBW भी हुआ, तो उसने भी भारत की हेल्प की है। ब्रेक ऑल इन ऑल आप मैच जीत रहे हो, लगातार तीन विकेटें, मतलब जिस हिसाब से उस फेज में जो कृणाल पांड्या ने ली, अच्छा उनका स्पेल ही आपको ये मैच बना गया। चलिए मैच, जैसा कि आपने कहा कि बहुत महंगी हार थी पहले वाली, महंगी हार तो थी क्योंकि आप उससे पहले T20 की हिस्ट्री में आप कभी इतनी मार्जिन से हारे नहीं थे, उसके बाद टीम का कैरेक्टर टेस्ट था खासकर जब विराट नहीं है, और उसके बावजूद आप इस जिद पे अड़े कि आप कुलदीप के बगैर ही इस मैच में खेलेंगे। मोमेंटम बनाना T20 में आसान है लेकिन मोमेंटम खोने के बाद बनाना वो आसान नहीं होता, और मुझे लगता है कि इंडियन टीम ने मोमेंटम खोने के बाद सीरीज में, ना सिर्फ मैच में बल्कि सीरीज में खोने के बाद जिस तरह से बनाया है 170 सिडनी वनडे में भी हुआ, वो हैमिल्टन वनडे में भी हुआ और यहाँ पर भी हुआ, ये इसका कैरेक्टर है, इस टीम का कैरेक्टर है कि इसमें मजबूती है कि आप किसी भी सर्कमस्टांसेस से आप उबर के आते हैं और आप अपना सर्कमस्टांसेस भी नहीं होने चाहिए ना, प्रॉब्लम ये हो जाए। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट है, ऐसा तो होगा नहीं कि आप ही आप स्वीप करते रहेंगे, आप वनडे में खेले चार और जीता कौन, वैसे वनडे का जो शर्त लगा था यहाँ पे जो हम पैसे हम लोग डाले थे, आप चार एक से चार एक पैसे पार्टी हुई, पार्टी आपका इंतजार हो रही है, आपका आपकी वेट हो रही है। पर इस टीम की ताकत ये रही है कि ये बुरी परिस्थितियों में घुसकर भी वापस आती है, कमबैक करती है, और शायद से ये देखिए टीम की, टीम मैनेजमेंट, थिंक टैंक, कप्तान, कोच, उसकी मानसिकता भी बताता है ये कि भाई ऐसा है हमारे जो प्लेयर्स हैं दे आर गुड इनफ टू विन एनीवेयर, किसी भी टीम के अगेंस्ट किसी भी जगह। रोहित शर्मा ने कहा होगा, रवि शास्त्री ने कहा होगा, यार देखो इतनी बुरी हार हुई है उसके बावजूद हमारे प्लेयर्स, मेरे आप ड्रेसिंग रूम में शुरुआत में जब पेप टॉक दिया होगा कि भाई अब मैच जा रहे हैं, नहीं वो तो है, वो बैड डे था इंडिया का, वो बैड डे इसलिए भी था क्योंकि आपका आपकी टीम बैलेंस नहीं थी और आपने उसका इस्तेमाल बैलेंस तरीके से नहीं किया। अब आज क्या होगा, देखिए अब तो आपने उस दिन 220 आपने गेंदबाजी से खाई, आपको चाहिए था उस दिन शायद विजय शंकर से गेंद करा लेते, भाई कई बार क्या होता है राहुल, एक स्पेल डाल दी कृणाल पांड्या ने, उन्होंने मैच ही खत्म कर दिया न्यूजीलैंड के लिए, और एक वो जो अंपायरिंग डिसीजन हुआ जो अंपायरिंग डिसीजन हाउलर ही है, मतलब वो तो टीवी अंपायर स्निकोमीटर पे दिख रहा है, सारी दुनिया देख रही है, उसने आउट दे दिया, फिर मेन अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके बाद फैसला क्यों नहीं बदला गया। ठीक है नियम ये है कि कप्तान बुला सकता था, आई थिंक वो रोहित शर्मा के पास गए भी थे, रोहित शर्मा के पास केन विलियमसन भी गए थे कि आप बल्लेबाज को दोबारा वापस बुला लीजिए, जो भी है खैर, अब आई होप कि आप चेज कर दें क्योंकि ये ना हो कि आप, वैसे तो ऑकलैंड छोटा मैदान है सामने, दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और मुझे ये भी लगता है कि विजय शंकर राय नंबर 3 पर ही खेलेंगे, बिल्कुल ये टीम बता रही है कि हम अपने टस से मस नहीं होंगे, नहीं और ठीक है, बट ऋषभ पंत को आप 3 में खिलाएंगे नंबर 4 पे, मुझे मैं बाखबर हूँ, बाखबर नहीं हूँ, बेखबर हूँ चीजों से, तो मुझे पता नहीं अभी किस बैटिंग ऑर्डर के साथ वो खेल रहे हैं, मिस किया मुझे इतना पता है कि टीम कौन सा मैच जीत रही थी, कौन सा हार रही थी, क्या क्या, और तो मोटी मोटी चीजें पता है, तो मैंने देखा नहीं, मैं अभी कुछ उस पर कमेंट नहीं कर सकता, तो लेकिन हाँ इतना है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड, और इस सीरीज में जिस तरह से अभी इस मैच में वापसी हुई है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप जब आपकी आपका 5 महीने दूर है, 4 महीने दूर है,
उस लिहाज से देखें तो राइट टाइम पे टीम ने पिक करना शुरू किया है. सो नसीब चाहिए इस टीम को, बस और कुछ नहीं. बाकी असल है तो तकरीबन आपके जो 11 खेलेंगे उसमें से 9 तकरीबन तैयार हैं. पता नहीं ऋषभ पंत आएंगे नहीं आएंगे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा माने तो आपके 11 की 11 तैयार है. बस ये कि आप 15 वो 13 प्लेयर तैयार है स्क्वाड में, दो स्लॉट्स को प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं. अब आज जैसे खलील ने भी बचाव हो गया, खलील ने भी आज अच्छा बॉल डल गया उनका भी, और उन्होंने सीखा है सिल्वर रन का इस्तेमाल कैसे करते हैं इस मैच में. जबकि एक समय पे जैसा आपने कहा था कि मोमेंटम उनके साथ था, 2-3 ओवर जो लूट रहे थे उसके बाद खलील आए, खलील ने 2-3 गेंदें स्लोवर रन की, उसके बाद पेस से जैसे उस स्लोवर रन से पेस से यूज टू हुए उन्होंने एक तेज गेंद की, हालांकि उस पर एक स्विप लगा के उन्होंने चौका भी लिया, लेकिन उस ओवर में 7 रन दिए सिर्फ. 15 ओवर पहला खाने के बाद रहा नया बॉल भुवनेश्वर वगैरह ने कंट्रोल से किया और कृणाल पांड्या ने आकर वो जो 3 विकेटें निकाली. अच्छा कृणाल पांड्या बीच बीच में कमाल करते हैं, आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे भी उन्होंने एक मैच में 4 विकेट लिए थे. बिल्कुल नहीं वो है T20 स्पेशलिस्ट है वो, मेरे हिसाब से वो T20 स्पेशलिस्ट है. रोहित शर्मा ने जब टॉस के बाद कहा था कि यार उनसे पूछा कि भैया आपकी टीम क्या है, रोहित शर्मा ने कहा देखिए बहुत सुनने में आया, बहुत बोला गया है कि कृणाल पांड्या को नहीं होना चाहिए, कुलदीप को होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर हम अपनी प्लेइंग 11 रख रहे हैं, क्यों, हमें पूरा ट्रस्ट है अपनी इस टीम पर. खैर ये तो हो गई अब बात. कृणाल पांड्या की सक्सेस ये भी आपको बताती है कि आप T20s को वनडे के एक्सटेंशन मत लिया कीजिए, आप T20 में इस, अब जो T20 स्पेशलिस्ट है उसको खिलाओ. अब कृणाल पांड्या है T20 के लिए, आपके पास हो सकता है आइंदा आने वाले वक्त में इस तरह के बल्लेबाज भी हों, तो वनडे और T20 एक ही माइंडसेट के साथ आप ना खेलें. मुझे लगता है इंडिया ना T20 थोड़ा कैजुअल हो जाता है, मुझे ये ना सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया भर की टीमें T20 को लेकर समहाउ, जबकि वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट भी होता है हर दूसरे साल पे होने लगा है, तो उसके बावजूद भी दुनिया भर की टीमें जो बायलेटरल सीरीज होती है उसमें T20 लेके बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं दिखाती है, अपने मेन खिलाड़ियों को रेस्ट करा देती हैं, ऊपर नीचे उनके बैटिंग ऑर्डर दुनिया भर के तमाम तरह के चेंजेस करती हैं, जो कि वाजिब नहीं है, खासकर तब जबकि इस फॉर्मेट से आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, इस फॉर्मेट के सबसे ज़्यादा टिकट बिकते हैं, तो उसको देखते हुए आपको इतने सारे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. चलिए बहुत जल्दी क्योंकि मैच शुरू होने जो भी है, और तो मैं बस ये तो हो गया जो होना था, अब आगे क्या होना है. रोहित शर्मा शिखर धवन स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब मैं स्ट्रगल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आज टीम को उनके रन लाइफ एंड डेथ ना हो, हो सकता है टीम के लिए उनके रन दोनों के लाइफ एंड डेथ ना हो, और इनके लिए खुद के लिए रन बहुत ज़रूरी है रोहित और शिखर धवन के लिए. क्योंकि अब देखें पिछले 3 मैच, 2 वनडे और 1 T20, भारत गिरता ही रहा है ऊपर से, तो आज एक आपको जीतना भी है और स्टाइल से भी जीतना है. 159 रन ज़्यादा, मतलब आप देखें 159 मतलब 8 रन पर ओवर और खलील ने अच्छी वापसी की, 160 रन मेरे हिसाब से इंडिया आराम से बनाएगा, आराम से बनाना चाहिए. नहीं आराम से क्या, आराम से मतलब क्या होता है, आराम से मतलब कोई हिकप्स नहीं आएंगे, रोमांच नहीं होगा, कोई हिकप्स नहीं आएंगे, सांसें अटकी हुई हैं, दिल धड़क रहा है, 5 गेंदे रहते जीते या 7 गेंदे रहते जीते, बट मुझे लगता नहीं है कि आज कोई ड्रामा हो. हम तो चाहेंगे कि ये जीते भारत, और एक जो एक कोरिलेशन या फिर एक जो एक पटरी चल रही है वो भी टूटे आज. बिल्कुल बिल्कुल पटरी, न्यूजीलैंड में पहली जीत मिले और साथ ही साथ आप सीरीज, चूंकि अगर इसको ट्विन टूर देखें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को, तो 5 हिस्से थे, ऑस्ट्रेलिया में T20, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस, ऑस्ट्रेलिया में वनडे, न्यूजीलैंड में वनडे और न्यूजीलैंड में T20. आप बिना किसी फॉर्मेट में हारे हुए ट्विन टूर से वापस आए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट. और पर मैं किसी और पटरी की बात कर रहा हूँ, एक ऐसी पटरी जिसपे 2 डब्बे लगे हुए हैं. ओके ठीक है, वो एक डब्बा जो है आज विमेन्स टीम का, वो तो बेचारे हार गए. ठीक है, अब हम ये आशा करते हैं, हर बार वही हो रहा है, हमारा और उनका नतीजा एक जैसा ही चलता है, एक जैसा ही चल रहा है. बट ये है कि बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है वो बदलती है, उसको बदलना पड़ता है, और ये भारतीय टीम दो हिस्ट्रीज बदलेंगी ना, एक तो रिजल्ट अलहदा होगा और शायद न्यूजीलैंड की धरती पे पहली बार भारत T20 जीतेगा. सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, मैच के बाद हाजिर होंगे एक बार फिर.